बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहते हैं तारिक साहब से, कयूम साहब, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी मन की पार्टी नहीं है, दिलों की पार्टी है। हम अपने महागठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी से आश्वस्त आपको करना चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और लालू प्रसाद जी ने हमारी पार्टी की जो मूल प्रस्तावना है, जिस तरह संविधान का प्रस्तावना है, उसी तरह पार्टी का प्रस्तावना में है सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव। हम उससे समझौता नहीं कर सकते, चाहे हमारा राज रहे या जाए, सत्ता में हम रहे या ना रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम अपने मूल्य और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल इन मामलों से बहुत ही सचेत रहती है। आप याद करिए 2015 में श्रीमती सोनिया गांधी, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोगों ने महागठबंधन का निर्माण किया था, वो बिहार के 11 करोड़ लोगों का महागठबंधन था। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने सृजन घोटाला हो, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो साथियों, उसके कारण से बीजेपी से अनैतिक समझौता किया, जनादेश का डकैती करते हुए सरकार बनाया, जिसको आपने विपक्ष में बिठाया, भारतीय जनता पार्टी को वो मजे से सत्ता चला रही है, मंत्री बन के घूम रहे हैं लाल बत्ती लगाकर। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चाहती तो समझौता कर सकती थी तारिक साहब, लेकिन हम लोगों ने एक बार फिर से, हमारे नेता साथी तेजस्वी ने, एनडीए से आए हुए दो प्रमुख साथी बिहार में, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उसको लाते हुए और मुकेश सहनी, वह भी एनडीए का पार्ट था 14 में, हम लोगों ने उन सबों को अपने महागठबंधन में समावेश किया है। और भी जो छोटी छोटी शक्तियां हैं उसको, चाहे शरद यादव जी का पार्टी हो, उसको हम लोगों ने लांटेन के सेबुल से, हमारे मधेपुरा से हमारे प्रत्याशी बने हैं। इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने नीतियों और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जो अधिकार है राष्ट्रीय जनता दल के साथियों का, हमको लगता है कि वो, चाहे वो मान हो, सम्मान हो, कोई भी अनुचित बातें शायद हमारे साथियों ने नहीं कहा है। हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हमारा जो हिस्सा है वो आपको याद होगा, 14 में भी राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से आप हमारा नेतृत्व किए हैं कटिहार में, और उसके पहले एक बार और हमारी पार्टी के समर्थन से। इसलिए ठीक कहा हमारे नेता राम प्रकाश महतो जी ने कि राष्ट्रीय जनता दल जीवित पार्टी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमारे जितने नेता साथी गण हैं, सभी जो काम करते हैं दिल से करते हैं और मुंह पर कुछ कह देते हैं, लेकिन उसका बुरा भाव मतलब नहीं रहता है। इसलिए साथियों, समय कम है, हम लोगों को, अपने प्रत्याशियों को, हमें इसमें कोई संदेह और शक नहीं है कि अगर आप दिल्ली जब जाएंगे तो आपके प्रत्याशी, जिसका छवि देश स्तर ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी इस सांसद का पहचान है, इनकी सादगी, इनका पार्लियामेंटरी लगातार बने रहना संसद में, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, गौरव का बात है और सम्मान का। कटिहार का मान सम्मान अगर कुछ बढ़ा है, इसमें नो डाउट कि तारिक साहब का योगदान नहीं है। इन्होंने कटिहार का मान बढ़ाया है और बिना दाग लगे लंबे समय तक राजनीति में काम करना ये आसान काम नहीं है। हम लोग छोटे से 3 साल और 3.5 साल हुआ, न जाने क्या क्या उंगली लोग उठा देते हैं, ये आसान काम नहीं है साथियों। इसलिए हमको तारिक साहब को भारी मतों से कांग्रेस के पंजे छाप पर लगकर और राष्ट्रीय जनता दल का विशेष जवाबदेही, हमने जो गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ, उपेंद्र जी के साथ, शरद जी के साथ और जीतन राम मांझी के साथ, वो सभी प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी हैं, 40 के 40 सीट सभी राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से लड़ने का काम कर रही है। अब हम लोगों का बहुत हो गया कहा सुनी, आपस में हम लोग इन भेद को मिटाते हुए हम लोग लगना है अपने अपने बूथों पर। और याद रखिए, गांव का गरीब, चाहे किसी जात सन्नप मल्ला का हो, चाहे कुशवाहा समाज, आपको खोज रहा है, वो आपको वोट करने के लिए तैयार है। आपको वहां हमको जाना है और उन सबों का समर्थन और प्यार हमको सभी के दरवाजे पर जाते हुए। हमारे एक साथी ने कहा, मुखिया जी ने, कि हमको बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको समर्थन करेंगे, हो सकता है इनके गांव में कुछ लोगों ने कहा होगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एनडीए में भारी दरार है और आप इस लड़ाई को इतने मतों से जिताएं कि आने वाले दिनों में हमारे जो
नेता है, पार्टी के शीर्षस्थ नेता राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, और जेल के अंदर जिस तरह से हमारे नेता को कैद कर रखा है, उनका छाती चौड़ा हो और इनका जो ये महागठबंधन, इनके जो एनडीए के पार्ट है, सीबीआई ईडी जो इनके गठबंधन के पार्ट है, ये सिर्फ रामविलास नीतीश कुमार से इनका गठबंधन नहीं है, देश की जितनी स्वायत्त संस्था है सब इनके गुलाम है, हम उनको जवाब दे सके। और चुनाव के बाद हमारे नेता को शायद कैद रखने की हिम्मत नहीं होगी। तारिक साहब लाल किले पर तारिक साहब के साथ का जो सरकार होगा वो बनेगा और हमारा नेता जेल से छूटेगा और हम फिर से एक बार बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में विश्व में नई सरकार बनाएंगे, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होगी, सभी लोगों का मान और सम्मान छिपा होगा, उसमें गांव भी होगा, बाजार भी होगा, खेत और खलिहान भी होगा। फिर से हम नया बिहार बनाएंगे, नया सवेरा लाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लगिए चुनाव में और परास्त करिए इन सांप्रदायिक शक्तियों को, बेईमानों को और जुमलेबाज को। आप सभी आम आदमी नहीं है, आप जिम्मेदार लोग हैं, सभी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप सभी बातों को समझते हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए हम अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आपसे पुनः आग्रह करते हैं, आइए मिलकर महागठबंधन के प्रत्याशी शाह तारिक अनवर साहब के हाथ छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइए। और हमको ये विश्वास है कि कटिहार इस बार इतिहास लिखेगा। शायद लोग हमको लगता है 40 में अगर सबसे अधिक कहीं मतों से जीतेंगे हम लोग, तो महागठबंधन के प्रत्याशी हम लोग कटिहार से जीतेंगे। हमारा भारी समीकरण मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय महागठबंधन।